ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अभी जल्द ही मुमरा में KGN एसोसिएट का फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें करीब मुमरा से ही 700 से 800 लोगों से 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों से ठगी कर फरार हो गया। इसी तरह से मीरा भयंदर में भी एक गोल्ड एक्सप्रेस कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मीरा भयंदर इलाके के लोगों से करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गया है, मगर इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है मुनाफ पटेल और अबरार शेख। तो वहीं अमीन मालपारा और माजे सेलिया फरार हो गए हैं। गोल्ड एक्सप्रेस नाम से ये कंपनी चलाते थे और लोगों को ज़्यादा पैसे के नाम पर इनसे इन्वेस्ट करवाते थे, और इसी तरह गोल्ड एक्सप्रेस में हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हुए थे और लोगों के करोड़ों रुपये लेकर रफू चक्कर हो गया। इस दौरान लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला। नया नगर पुलिस ने मुनाफ पटेल और माजिद सेलिया पर मामला दर्ज कर कोर्ट में भी पेश किया है। जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों का क्या कहना है आप सुने। 1 लाख में 4,00,000 रुपये दे रहे, तो तुम भी डालो पैसा, तो हमने उसको उसके थ्रो डाले थे पैसा। भाई हम लोग पैसा लगाए अमीर भाई को, अमीर भाई तारीख पर तारीख दे रहे थे। कल तक अबरार भाई को, मुनाफ भाई को, इन लोग को सब पता है कि अमीन भाई कहाँ है। नहीं, इन लोग कॉन्टैक्ट करते अलग अलग नंबर से। हम पब्लिक के पास जो नंबर है वो नंबर बंद है, और इनको मालूम है इनकी क्या प्रॉफिट। इन लोग अपना नाम से सब कर लिए, और कल तक मुनाफ भाई ने ये बोला कि मेरा नाम से जो हुआ है ठीक है, हम आप लोगों ने हम लोग ने पैसा डाले तो तुम लोग को दे दे रहे। तो कल ताला तोड़ के यही बात हुआ था, ताला तोड़ के अंदर एक ही पब्लिक अपना अमाउंट बताएंगे और मुनाफ का जो प्रॉफिट है हम लोग जब कल हम लोग बेच के फिर अपना आपस में बांट लेंगे। इसलिए तारीफ थी कि मेरे बहुत गरीब हूँ, मेरे को आदमी नहीं है, बच्ची है मेरी लड़की, और मेरे खाने को भी दी ये ना बोलते, मेरे खुद खुद फंसी हुई 9.5 लाख रुपये उसके अंदर। तो मतलब यह कंपनी अच्छी बोल के एक इसका अपराल, और ये लोग क्या बोले अच्छी कंपनी है फातिमा बोल के, ये लोग अच्छी है, आप लोग को पैसे अच्छे देंगी और आपका जो खर्चा पानी निकल जाएगा। तो हम लोग अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे हैं ठीक है, मिल जाएगा करके। लेकिन बाद में हम लोग को मालूम पड़ा 4 दिन बाद 31 अगस्त को क्या मीटिंग हो रही है यहाँ पे। तो बोले भाई मेरा तो जून का भी डेट गया, और फिर अगस्त का भी मेरा डेट है, 28 अगस्त का मेरा डेट दिया आपने। बोले आपका पैसा आपका मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपका पैसा। बाद में आके देखा तो 4 दिन पहले तो थक गए। फिर हमने कल इनको पकड़ के यहाँ से लाए, अबरार को, मुनाफ को, ये लोग भी भागने वाले थे। अब इन लोग को मालूम है कि ये लोग कहाँ गए करके। इस मामले की जाँच के लिए आर्थिक गुनह शाखा की 2 टीमें पूरे मामले की जाँच कर रही है, और गोल्ड एक्सप्रेस के ऑफिस को भी सील कर दिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। लोग अपना कीमती पैसा कहीं भी किसी भी कंपनी में लगा देते हैं बिना जांच पड़ताल किए, और फिर वो कंपनी बंद कर पैसे लेकर फरार हो जाती है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, मगर इसके बावजूद लोग बहकावे में आकर फर्जी कंपनियों में पैसा लगा देते हैं और फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।